हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ तरुण। आप लोग मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं कि दी आप हमें कोई इफेक्टिव हर्बल शैम्पू आप हमसे शेयर करिए जिससे हमारा हेयर फॉल जो है कंट्रोल हो जाए, साथ ही साथ जो हमारी स्कैल्प है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, हमारे रूखे सूखे बालों में जो है वो जान आ जाए, सिल्की सॉफ्ट हो जाए और दो मुंहे बालों की जो है समस्या वो सॉल्व हो जाए। मैंने आपसे हर्बल शैम्पू में अयूर शैम्पू का रिव्यू किया था, कुछ लोगों ने उसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे बताए लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि ये हमारे बालों को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव शैम्पू आपसे शेयर करने वाली हूँ और वो हर्बल है और आप उसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो वो शैम्पू जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैंने खुद यूज किया है, तभी मैं उसका आपसे शेयर कर रही हूँ शैम्पू का रिव्यू, क्योंकि जब तक खुद पे ट्राई ना करो तो उसके जो रिजल्ट हैं क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं वो जब तक पता नहीं चलता। तो मैं जिस शैम्पू की बात कर रही हूँ तो वो है, यह है पतंजलि का केश क्रांति एलोवेरा हेयर क्लींजर। ये बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मेरी दूसरी बॉटल है, एक बॉटल को मैं यूज कर चुकी हूँ और मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं एक शैम्पू को रेगुलर नहीं करती हूँ। मेरे पास कई शैम्पू है, क्लिनिक प्लस शैम्पू है, अयूर शैम्पू है, पतंजलि शैम्पू है और घर का बना हुआ मेरे पास शैम्पू है और मैं टाइम टाइम पे जो मन करता है मैं उसको यूज कर लेती हूँ। और ज्यादातर तो मैं क्लिनिक प्लस का शैम्पू यूज करती हूँ और अयूर शैम्पू यूज करती हूँ, लेकिन जब वो करने का मन नहीं होता है तब मैं ये शैम्पू यूज करती हूँ। तो ये इस तरह की बॉटल में आता है और इसके प्राइस की बात करें तो ये 85 रुपए का आता है और ये आसानी से आपको मार्केट में मिल भी जाएगा और यह आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जी हाँ फ्रेंड, इसके नीचे लिखा हुआ है ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और 100% तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन हाँ आपके जो बाल झड़ना है तो उनमें कमी जरूर आएगी और उसके बाद आपकी स्कैल्प को जो है वो क्लीन करेगा, आपके बालों में जो दो मुंहे बालों की समस्या है वो आपकी सॉल्व होगी। और दो मुंहे बालों की समस्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा ड्राई बालों में आती है, जिनके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे और बेजान है उन्हें सबसे ज्यादा जो है दो मुंहे बालों की समस्या आती ही आती है। और इस शैम्पू की बात करें तो फ्रेंड्स, ये एलोवेरा इसमें ऐड है तो इसलिए ये ग्रीन कलर का दिखता है और इसमें बहुत कुछ ऐड किया हुआ है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसके पीछे लिखा हुआ है सारी चीजें कि इसमें क्या क्या चीज ऐड है और मैं लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज ऐड है। इसमें धृत कुमारी है, गुड़हैल है, तुलसी है, ब्रह्मी है, रीठा है, आंवला है, भृंगराज है, हीना है, शिकाकाई है, हल्दी है, ग्लो है और बकूची है। तो ये जो चीजें हैं फ्रेंड्स, ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो गुड़हल हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और ब्रह्मी भी अच्छा है, रीठा अच्छा है, आंवला है, भृंगराज है, हीना है, शिकाकाई है, हल्दी है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे बालों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा बनाती हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि 100% प्योर है, 100% प्योर बिल्कुल भी नहीं है और 100% प्योर इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें ये अगर हर्बल शैम्पू की बात करें तो ये कम से कम 50 से या 60% जो है हर्बल है, बाकी सब इसमें केमिकल हैं। जो इसमें केमिकल हैं वो आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो और हर्बल शैम्पू हैं या फिर जो केमिकल वाले शैम्पू हैं वो तो 100% केमिकल होता है उनमें, और जो हर्बल शैम्पू हैं वो भी हर्बल एकदम तो प्योर हर्बल नहीं होते हैं, मतलब 100% नहीं होते हैं। लेकिन ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये सिर्फ 50-60% हर्बल है, यानी कि ये कोई 10% हर्बल नहीं है, 20% नहीं है, 50% आपका ये हर्बल शैम्पू है ये। और जो इसमें जो केमिकल है वो इसकी एज को बढ़ाने के लिए इसमें ऐड किए गए हैं। और जो खुशबू की बात करें तो खुशबू वाकई में इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता होगा कि एलोवेरा में किसी भी तरीके की कोई खुशबू नहीं होती है, तो इसमें फ्रेग्रेंस को ऐड किया गया है और ये लंबे समय तक चले तो इसके लिए इसमें और केमिकल डाले गए हैं, झाग बने तो इसलिए इसमें केमिकल डाले गए हैं। और जो भी केमिकल इसमें है वो आपके बालों को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा, 100% हर्बल नहीं है।
लेकिन आपको ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये 100% हर्बल नहीं है तो हम इसको यूज ना करें। अगर आप और भी कोई शैम्पू हर्बल देखेंगे तो उनमें भी केमिकल होता ही होता है, लेकिन ये 50% हर्बल है और जो शैम्पू नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आप ये वाला शैम्पू यूज कीजिए। और इसके नीचे ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये किस किस तरीके से ये बालों के हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, आपके दो मुंहे बालों को ठीक करेगा, आपकी जो स्कैल्प गंदी रहेगी उसको भी क्लीन करेगा, तो यहाँ पे ये सब इसके नीचे लिखा हुआ है। और ये 85 का 200 ml की बॉटल है, तो आसानी से आपकी चल भी जाएगी और ज्यादा महंगा भी नहीं है। और आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे हों, काले हों, घने हों, मजबूत रहे, तो आप इस शैम्पू का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और आप एक वॉश में जो है अपने बालों को साफ कर सकते हैं, कितना भी आपने तेल लगा रखा हो, अच्छे से आपकी स्कैल्प को क्लीन करेगा और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, ये जो मैंने आपको बता दिया। और सबसे ज्यादा अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे बेजान हैं तो आपके बाल जो है धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, 100% ना हो लेकिन फिर भी आपके बालों पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। और खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी है, आप जब हेयर वॉश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, इसकी खुशबू जो है बहुत ज्यादा अच्छी है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कुछ टाइम में ही आपके बालों पे फर्क जरूर पड़ेगा। कम से कम आप इसको 6 महीने यूज कीजिए, 6 महीने तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने में आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शैम्पू आप आराम से 6-7 महीने यूज कर सकते हैं और इसी शैम्पू का यूज कीजिए अगर आप हर्बल ढूंढ रहे हैं तो, क्योंकि आयुर शैम्पू में भी केमिकल होता है, वो हर किसी के बालों को सूट नहीं करता है, ज्यादातर लोगों के बाल जो है वो ड्राई कर देता है, लेकिन इस शैम्पू के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इससे हेयर वॉश करेंगे तो इससे आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं, और ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल भी करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके एकदम बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, एकदम बाल झड़ना बिल्कुल बंद नहीं करेगा, लेकिन हाँ आपके हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा महंगा भी नहीं है और इफेक्टिव ही है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी वीडियो यूजफुल लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स लोगों पे। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।